आज दिनांक 11 अगस्त है और हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे भारी बारिश के दौर की। सबसे पहले यदि देखें तो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पिछले 2-3 दिनों से उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ था, यह आज भी इसी क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी अपने सामान्य पोजिशन से गुजर रही है और सक्रिय है। अगले 5-7 दिनों के दौरान ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर इसी प्रकार बना रहेगा, यानी कि जो भारी और अति भारी बारिश का दौर पिछले 2-3 दिनों से पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में चल रहा है, ये अगले 4-5 दिनों तक जारी रहने की प्रबल संभावना है। यदि बात करें पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई बारिश की, तो पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश आज करौली में 380 mm, जी हाँ, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा टोंक, करौली, सवाई माधोपुर जिला, इसके साथ साथ यदि देखें तो कोटा, भरतपुर और दौसा जिलों में भी भारी से अति भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर अभी जो साइसर बना हुआ है, इस सिस्टम के असर से अगले 5-4 दिनों तक रुक रुक कर बारिश का जो दौर है वो बना रहेगा। जयपुर और आसपास की बात करें तो जयपुर शहर सिटी सहित जो ग्रामीण क्षेत्र है इनमें भी मध्यम से तेज दर्जे की बारिश के कुछ स्पेल्स अगले 2-3 दिनों के दौरान दर्ज होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इसके अलावा जो शेखावटी के जो क्षेत्र के जिले हैं, खासकर सीकर, झुंझुनू, नागौर और जो चूरू जिले हैं, इनमें भी अगले 3-4 दिनों तक कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने के लिए संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से लगातार भारी बारिश के मद्देनजर जयपुर, भरतपुर संभाग, इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र के कुछ जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है अगले 24 घंटों के लिए। खासकर करौली, दौसा, इसके अलावा सवाई माधोपुर जिलों के लिए वेरी हेवी रेनफॉल के मद्देनजर और निरंतर बारिश के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के भी कई इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक मध्यम तो कहीं तेज बारिश का दौर बना रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट होने की प्रबल संभावना है। अब बात करें यदि अब तक इस सीजन में दर्ज की गई बारिश की, तो इस मानसून सीजन में पूरे प्रदेश में अब तक 387 mm बारिश रिपोर्ट की जा चुकी है, जो कि सामान्य से 39% ज्यादा है, यानी कि अबव नॉर्मल एक्सेस रेनफॉल अब तक रिपोर्ट हो चुकी है। और अगले 1 सप्ताह के दौरान मानसून सक्रिय रहने से इस आंकड़े में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। खासकर निरंतर बारिश और भारी बारिश की गतिविधियों के मद्देनजर जो निचले इलाके हैं जिनमें जल भराव हुआ है या होने की संभावना है, ऐसे स्थानों से कृपया करके दूर रहें। इसके अलावा नदी नालों और बरसाती जो जो रिवर्स हैं इनमें पानी की आवक बढ़ने से खासकर विशेष सावधानी रखें। पुल या ब्रिज के ऊपर भी कभी कभी देखा जाता है कि रपट की स्पीड ज्यादा होती है या पानी का फ्लो ज्यादा हो, तो ऐसे में यातायात व्यवस्था भी बिगड़ सकती है, या यूं कह सकते हैं कि खासकर जब रपट पर पानी का फ्लो ज्यादा हो तो जो वाहन चालक है विशेष सावधानी रखें। धन्यवाद।